वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो से। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, अपने इंडोर गार्डन ओवरव्यू दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट इंडोर गार्डन में रख रखी हूँ। तो सभी प्लांटों का नाम भी बताऊंगी और कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्लांट इंडोर गार्डन में हम रख रखे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए मॉस रोज परचुलका, जिसे 9 o'clock भी बोला जाता है। ये अभी भी मेरे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। अगर इसके सूखे फ्लावर को आप हटाते रहें तो आपके गार्डन में ये इंडोर में थोड़े से कम मात्रा में फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये विंटर में ज़्यादा कड़ाके की ठंड में ये थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो आप उस समय आप इसे खुले आसमान के ना नीचे रखकर आप उसे ग्रीन नेट के अंदर रख सकते हैं, तो आपके प्लांट ये विंटर में भी बचे रहेंगे। और ये देखिए फेलोडेंड्रन, ये बड़े पत्ते वाले, ये सभी को मैं छोटे छोटे बास्केट में बालकोनी में लगा रखी हूँ। और एक और ये देखिए 9 o'clock, जिसमें अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और नीचे ये देखिए सभी मैरीगोल्ड के कटिंग लगा रखी हूँ, ये देख सकते हैं छोटे छोटे, जिसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पान का पत्ता, जिसकी दो पत्तों वाली जड़ सहित एक मैं प्लांट लगाई थी, और इसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हो रही है। इसमें भी लीव्स निकल रहे हैं। और इसके बगल में ये देखिए डेफिनबेकिया के प्लांट हैं, जो मेरे गार्डन में 3 साल से चल रहे हैं, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हो रही है। इसमें मैं बहुत ही कम मात्रा में खाद का यूज करती हूँ। बगल में ए अपराजिता, जिसे छोटे से बास्केट में लगा रखी हूँ, इसे एक तार के सहारे मैं ऊपर की ओर चढ़ा रखी हूँ। और ये नीचे कुछ और मैरीगोल्ड के कटिंग, ये देख सकते हैं सभी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और ये देखिए सबसे पुराने डेंथस, जो समर में भी फ्लावरिंग कर रहे थे, और अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं न्यू लीव्स निकलने लगे हैं। और इसके बगल में ये रेन लिली, जो बरसात के दिनों में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसके पत्ते आप देख सकते हैं सूख गए हैं। तो विंटर में ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसके प्लांट को बहुत सारे प्लांट इस समय बना सकते हैं। और इसके बगल में एक न्यू प्लांट, जिसे भी मैं छोटे से बास्केट में लगा रखी हूँ, जिसका नाम है ऑक्जेलिक के प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट। इसके फ्लावर आप देख सकते हैं कटिंग लिए हुए त्रिकोण आकार के लीव्स और पिंक कलर के इसमें फ्लावर आ रहे हैं। इसमें ऑक्जेलिक में बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इस समय इसके फ्लावरिंग प्लांट को ले सकते हैं। और ये देखिए कुछ और इंडोर प्लांट, ये स्नेक प्लांट, साइगोनियम, एलोवेरा, एलोवेरा की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और ये जेड प्लांट, और ये देख सकते हैं ये एग्लोनीमा, लिपिस्टिक एग्लोनीमा, आप चाहें तो लिपिस्टिक एग्लोनीमा के इस समय डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं, ये देखिए। और ये देखिए एक और क्रिसमस ट्री, ये देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और इसके बगल में ये एस्पायरिगस फर्न और साइगोनियम लगा रखी हूँ, सभी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और ये सभी प्लांट कम सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करने वाले प्लांटों में गिने जाते हैं। और ऊपर कुछ मनी प्लांट हैं, जो मैं हैंगिंग बास्केट में लगा रखी हूँ, ये भी मनी प्लांट। तो ये मेरे फर्स्ट बालकोनी थे, आप देख सकते हैं बालकोनी को लाइटों से मैं सजा रखी हूँ दीपावली में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट बालकोनी के तरफ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये टर्टल वाइन है। थोड़े से विंटर में इसके पत्ते सूख रहे हैं, ये विंटर में थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। और इसके बगल में ये स्पाइडर प्लांट, आप चाहें तो इसके पफ को लगाकर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए टेंगल हर्ट, टेंगल हर्ट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो रही है। सभी ऑलरेडी विंटर प्लांट अभी इस समय डोरमेंसी में चले जाते हैं। और ये देखिए बेबी सनरोज, इसमें फूल भी अभी नहीं आ रहे हैं। ये समर फ्लावरिंग प्लांटों में गिने जाते हैं। और वो कलांचो थे, और ये एडेनियम है जिसे मुझे गमले में शिफ्ट करना है। थोड़े से इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। और ये देखिए कुछ और इंडोर प्लांट, ये कुछ कटिंग में लगा रखी हूँ। ये स्नेक प्लांट वेरीगेटेड, ये देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल में लगा रखी हूँ। और ये ग्रीन वाले, और ये ड्रेसिना, और ये दोनों सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट हैं, दो वैरायटी ग्रीन और वेरीगेटेड। आप कभी कभी विंटर में इसमें अगर फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये मैरीगोल्ड के कटिंग में लगाई थी, सभी की ग्रोथ अच्छी देखिए तरह से फ्रेंड्स, हो ये रही है। पत्ता गोभी मैं और ये लगाई थी देखिए बहुत फ्रेंड्स, छोटे से पत्ता छोटे से गोभी, पत्ता जिसकी गोभी ग्रोथ लगाई थी, हो इसकी रही भी है। ग्रोथ हो रही है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट बालकोनी की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेफिनवेकिया हैं और कुछ कोटॉन के प्लांट लगे हुए हैं। और ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, बहुत सारे सॉन्ग ऑफ इंडिया की मैं कटिंग लगाई थी। और ये देखिए एरोरेट वाइन, और ये ड्रेसिना बहुत लंबे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं लंबाई के कारण ये झुक रहे हैं, इसे मुझे रस्सी के सहारे बांधनी है। ये देखिए, और ये कोटॉन ही हैं। और ये देखिए कुछ ये बोस्टन फर्न है येलो वाले, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। और इसके बगल में ये रेड, ये पर्पल हट है जिसे मैं बास्केट में लगा रखी हूँ, ये देख सकते हैं। और ये फिलोडेंड्रन, और इसके बगल में ये देखिए साइगोनियम, जिसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और ये देखिए रोहियो प्लांट, जिसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। कुछ प्लांट मेरे रोहियो की आउटडोर में भी चल रहे हैं और वो भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहे हैं। रोहिये प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से ग्रो करते हैं। तो ये मेरे थर्ड बालकोनी थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ और प्लांट जो सीढ़ी पर भी रख रखी हूँ, ये टेंगल हर्ट हैं और टर्टल वाइन। समय समय पर इस प्लांटों को मैं धूप भी लगाते रहती हूँ निकाल कर। अभी दीपावली में इन सभी प्लांटों को सीढ़ी पर रख रखी हूँ, ये देखिए जिसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और नीचे के पोर्शन में साइगोनियम है और एरोरेट वाइन, ये देखिए एरोरेट वाइन। ज़्यादातर सीढ़ी पर मैं साइगोनियम प्लांट को जगह दे रखी हूँ, ये देखिए। और कुछ स्नेक प्लांट हैं और कुछ डेफेनबेकिया के प्लांट से पूरे भरे पड़े हैं सीढ़ी पर। ये भी आप देख सकते हैं साइगोनियम के ही वैरायटी हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, एलोवेरा, और एक बड़े पत्तों वाले फेलोडेंड्रन हैं। ज़्यादा प्लांटों को अभी मैं नहीं रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ इंडोर गार्डन ओवरव्यू हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।